रिटायर्ड बीएसएफ दे जो जवान ने वो भी पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर रैली च पहुंचे हुए हैं और देश लिए भी कुर्बानी की थी, किसानी लिए भी कर रहे हैं। जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है, हम ही जवान, हम ही किसान, तो जो अन्न खाता है सभी किसान की बेटा। जब हमारा बाप आज रोड पे है तो बेटा क्यों नहीं आएगा, तो हम सारे जवान आज रोड पे आए हुए हैं उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर के। उन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो, क्या किया, इन्हीं से 11 दौर की वार्ता करी, कौन जीता, किसान जीता। इन्होंने कहा इसमें काले क्या है, 900 संशोधन कर डाले, कौन जीता, किसान जीता, किल लगाई थी, कौन जीता, किसान जीता। योगी जीतेंगे या हारेंगे, तो सबसे बड़ी आज की महापंचायत यूपी मिशन, इनको सत्ता से बदर करना है, इसलिए हम इकट्ठे हुए। यहाँ से यही सत्ता का गलियारा मिला था बीजेपी को और यहीं से हम नष्ट नाबूद करेंगे मुजफ्फरनगर। यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम करवा दिया गया था, लड़वाया गया था। पाप इतनी जल्दी हार नहीं मानता, दुर्योधन नहीं माना, कंस नहीं माना, नहीं माना, रावण ने नहीं माना, नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी नहीं मानी थी, क्या हुआ, पाप को हराते नहीं है, जमी दोज करते हैं। जो लाठीचार्ज करते हैं, किसानों को मारते हैं, ये हमारे, हम भी हमारे पर लाठी चलाते हैं, हमारे बच्चे बॉर्डरों पे बैठे हैं, वो बॉर्डर पे बैठे हमारे जो बेटे भतीजे हैं, आपने मन की बात कर ली ना, मोदी मन की बात करनी भूल जाएगा। प्रो पंजाब टीवी ते तुहाडा स्वागत है, मैं हाँ यादविंदर सिंह। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा सी, रिटायर्ड बीएसएफ दे जो जवान ने वो भी पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर रैली च पहुंचे हुए हैं और देश लिए भी कुर्बानी की थी, किसानी लिए भी कर रहे हैं, साढ़े नाल ने इन्हों गलबात कर दिया। की है तुहाडा नाम और की कहना चाहते हो मोदी सरकार नू? जय हिंद, मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस गाजीपुर बॉर्डर सुरक्षा अधिकारी। वर्तमान समय में यह सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई हमारे वेटरन्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं कहना चाहूँगा उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगेबान हो जवान किसान मजदूर। आज जवान किसान मजदूर जग गया है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। जिस तरह 70 साल से हमारे कांधे पे हल था, फिर भी हमारी समस्याओं का हल नहीं, भारतीय संसद मौन है। हमने आजादी तो मिली 70 साल मिली, किसको मिली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को मिली। आज भी आम आदमी रोड पे है, उस उनको बंधक जो भारत माता आज भी कैद में है, उनको आजादी कराने के लिए ये महापंचायत के रूप में आप देख रहे हैं। जो सबसे बड़ी आज की महापंचायत यूपी मिशन, इनको सत्ता से बदर करना है, इसलिए हम इकट्ठे हुए। जी मोदी जी मार क्यों नहीं रहे हैं और योगी जी आप तो यहाँ देखते होंगे। सर मीडिया वाले जान लो, मैं बताना चाहता हूँ क्यों नहीं माने। उन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, पाकिस्तानी प्रो, चाइनीज प्रो, क्या किया, इन्हीं से 11 दौर की वार्ता करी, कौन जीता, किसान जीता। इन्होंने कहा इसमें काले क्या है, 900 संशोधन कर डाले, कौन जीता, किसान जीता। कह रहे थे एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, क्या हुआ, 1.5 साल बिल को होल्ड पर करने की बात करें, कौन जीता, किसान जीता। इन्होंने कहा था कि बैरिकेडें लगाई, हटा ली, किल लगाई थी, कौन जीता, किसान जीता। हमने भारतीय संसद के समानांतर हमने संसद लगाई, क्या मवालियों को परमिशन मिलता है, हम भी, तो हमने, कौन जीता, किसान जीता। देखिए पाप इतनी जल्दी हार नहीं मानता, दुर्योधन नहीं माना, कंस नहीं माना, नहीं माना, रावण ने नहीं माना, नहीं माना, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी, पूर्ववर्ती सरकारों ने भी नहीं मानी थी, क्या हुआ, पाप को हराते नहीं है, जमी दोज करते हैं, नहीं तो फिर हार पनपेगा, हम उसको जमींदोज करने के लिए आए हैं। क्या यूपी में योगी जीतेंगे या हारेंगे, कैसी, आप भीड़ देखे, क्या आप अभी भी पूछ रहे क्वेश्चन, ये आम लोग हैं, कहते हैं फंडिंग से किसान आए हैं, गांव घर चले, अभी आप कैमरा घुमा लीजिए, सब लोग अपनी मर्जी से आए हैं। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ से यही से सत्ता का गलियारा मिला था बीजेपी को और यहीं से हम नष्ट नाबूद करेंगे मुजफ्फरनगर से। जी हाँ, तो यहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगा भी हुआ था, हिंदू मुस्लिम करवा दिया गया था, लड़वाया गया था, आज एक मैसेज है, बिल्कुल इकट्ठे हैं लोग, तो क्या क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, देख के हम बाग बाग हैं, वो लोग जो फिरका परस्ती की राजनीति, बिल्कुल बिल्कुल, दिल में बुलबुले हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है, नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफा है जो सो तमन्नाओं में मुश्किलों को ढलते देखा है। आज मुश्किल ढल गई है, सुबह का उजाला निकल गया, पूरब की लाली चमक रही है, तो सब कुछ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, दशा दिशा कहाँ जा रही है। जी तो क्या और भी लोग हैं जो आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं, बीएसएफ से? अरे भाई मैं कहना, तो किसान जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है, हम ही जवान, हम ही किसान, तो जो अन्न खाता है सभी किसान की बेटे। लेकिन देखिए हमारे गुरचरण सिंह जी ये भी हमारे साथ हैं और भी कई साथी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग क्यों, जब हमारा बाप
जब हमारा बाप आज रोड पे है तो बेटा क्यों नहीं आएगा? तो हम सारे जवान आज रोड पे आए हुए हैं उनके साथ कांधा से कांधा मिलाकर के साथ देने के लिए। जी की लगता है ये तुसी जवान भी रहे किसान भी होंगे, सरकार क्यों नहीं मन रही जवानों ते किसानों की गल? ये जो इस टाइम जो गवर्नमेंट है, हमने टोटल जब का देश याद हुआ है, एक प्रधानमंत्री को पहले को थोड़ा कम देखा, सभी प्रधानमंत्री देखे हैं। जे प्रधानमंत्री देश को बिल्कुल गलत तरीके से चला रहा है, इसने डेमोक्रेसी का लोकतंत्र का जे हत्या कर दी है, जे मनमाने तरीके से देश को चला रहा है, जे एक्सटर्नल लेवल पे भी इंटरनल लेवल पे भी फेलियर गवर्नमेंट है, जे किसान मजदूर सबका गला घुटने घोट दिया लोगों ने, जे जो जो लाठीचार्ज करते हैं किसानों को मारते हैं, जे हमारे हम भी हमारे पर लाठी चलाते हैं, हमारे बच्चे बॉर्डरों पे बैठे हैं, जे क्या चाहते हैं क्या? जब ये मोदी बात की मन की बात करता हर महीने, अगर हमने और वो बॉर्डर पे बैठे हमारे जो बेटे भतीजे हैं, आपने मन की बात कर ली ना, मोदी मन की बात करनी भूल जाएगा जी। 2019 में दोबारा जीत गए, ऐसा क्या है जी? हमने मौका दिया, भारतीय सभ्यता संस्कृति परंपरा है कि हम बातों पे सहज, जो राष्ट्रवाद की बात करता है उसकी बातों को सहज हम मान लेते हैं, हमने मान लिया, लेकिन उसे विकास किया, विनाश किया? अगर विकास हुआ दो आदमी का हुआ, जानते व्यापारी खरौड़ों का, तो सवाल इस बात का है कि सरकार है कहाँ? हमने मांगा था, लेकिन उन्होंने कहा गरीबी हटाओ, मुझे लगता है 2024 तक सारे देश से गरीबी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब किसी को इतनी महंगाई होगी, जब पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, तो 2024-25 तक एक भी गरीब नहीं देश में। तो इन्होंने गरीब हटाओ और देश का विनाश, इनका असली मुद्दा ये था। ये तो बंधक बने हुए डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत व्यापारियों के शिकंजे में भारतीय संसद कसी हुई है। मुझे बताइए, किसी विपक्ष वालों ने कहा कि एमएसपी कानून बनाएंगे? मुझे बताइए, आज कहते हैं कुर्ता फाड़ फाड़ के कि हम तुम्हारे साथ हैं, सिर्फ वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति हो, लेकिन हमारे सामने मजबूरी है आज, लेकिन इसमें फैसला होगा कि हम ये जाएगा तो वो चोर आ जाते, वो आ जाते, विकल्प है ना, तो ये इसीलिए यहाँ पे हो रही है, मन से घोषणा होगी, विकल्प हमारे पास क्या, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, हमारी अगली प्लानिंग क्या है जी? की लगता है जित होगी पक्की फिर? हाँ जी, जित पक्की है, पक्की चकीती है जी, टाइम लग सकता है, जित चकीती है। ये जो गवर्नमेंट है झूठ बोल के जुमलेबाजी करके सदा हथिया लेती है और काबरी करती, अब ये कह रहे थे किसानों के आज हम दुगनी करेंगे, कब करेंगे? जे 4 महीने रह गए 2022 आने में, क्या आज 31 तारीख को बाद 1 तारीख के बीच में करेंगे? जब दुगनी डीजल का रेट दुगने कर दिए, पेट्रोल के रेट दुगने कर दिए, कहते आए दुगनी करेंगे, करते खर्चा दुगना है। जय गवर्नमेंट जो करती है, इनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर है। जय जवान। हाँ सर, जीतेंगे, हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीता, जीतने की हमारी आदत है, हम अंग्रेजों को हरा, मुगलों भगाए, जितने तो हमारे खून में जीतना है। पहली बात, बदल डालो उस तालाब के पानी को, एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2014 से गाते गाते चिल्लाने लगे हैं जी। पर नारा हो जाए जय जवान जय किसान। बता रहा हूँ आपको कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, अचप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब इनकलाब, जय जवान, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान छात्र एकता, किसान महिला एकता, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद आपका। ताई सीगे जय जवान जय किसान का नारा, एक पासे जवान ते दूजे पासे किसान, कहिंदे असीं वी किसान आ, असीं वी जवान आ, किसानां दे पुत ही जवान बनदे ने। मुजफ्फरनगर रैली च नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके दे नाल वड्डे पद्धर दे उत्ते इकट्ठा ते लोग कह रहे हैं मोदी सरकार साडियां मंगा मन्ने नहीं तां असीं डटे रहांगे उदों तक जदों तक साडे मसले हल नहीं हुंदे। कैमरामैन शमशेर दे नाल यादविंदर सिंह, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।